सिक्किम राज्यको द्विदिवसीय आधिकारिक भ्रमणमा रहेकी महिला एवं बाल विकास मन्त्रालयकी केन्द्रीय राज्य मन्त्री देवाश्री चौधरीले 25 सितम्बरको दिन गान्तोकको एक होटलमा भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशद्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा भाग लिँदै पण्डित दीनदयाल उपाध्यायप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्नुभएको थियो। पण्डित दीनदयाल उपाध्यायको 103 औ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित यस छोटो कार्यक्रममा केन्द्रीय मन्त्री लगायत बीजेपी सिक्किम प्रदेशका सदस्यवर्ग, पार्टीका पदाधिकारीहरू तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। केन्द्रीय मन्त्री देवाश्री चौधरी लगायत उपस्थित सबैले स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्यायको स्मृतिमा तिनको तस्विर अघि मैनबत्ती बाली, पुष्प चढाई, श्रद्धासुमन अर्पण गरेका थिए। यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय मन्त्री देवाश्री चौधरीले पण्डित दीनदयाल उपाध्यायको जीवनीमाथि प्रकाश पार्दै देशप्रति तिनले पुर्याएको योगदान अतुल्य रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले पण्डित दीनदयालले भारतीय जनता पार्टीलाई दर्शन दिनुभएको बताउनुभयो। यसै दर्शन अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी विश्वकै सबैभन्दा वृहत पार्टीको रूपमा अघि आएको बताउनुभयो। पण्डित दीनदयालका अन्य विभिन्न दर्शन र विचारले समाजमा तल्लो तहसम्म तथा हरेक व्यक्तिसम्म विकास पुगेको विचार केन्द्रीय मन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो। भारतीय जनता पार्टी अनि देशप्रति उनको ठूलो योगदान रहेको केन्द्रीय मन्त्रीले बताउनुभयो। यसै योगदानहरूलाई सम्झना गर्न पण्डित दीनदयालको स्मृतिमा आफ्नो सबै सरकारी तय कार्यक्रमहरू समाप्त गरी समय निकाली आफू यस कार्यक्रममा सहभागी बन्न आएको उहाँले बताउनुभयो। स्मरण गराइन्छ, पण्डित दीनदयाल उपाध्यायको जन्म 25 सितम्बर 1916 भएको हो। दर्शन दिया है एकात्म मानव इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसके आधार पर आज हम लोग विश्व का सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर आए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन अंत्योदय समाज के आखिरी व्यक्ति तक उन्नयन विकास पहुँच है और इनको आगे उभार के लाना है, इस दर्शन पर चलते हुए हम लोग काम करते हैं। और जो सरकार बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले 2014 से पहले वाला दिशा, इनमें इनका दर्शन ही दर्शन का मुताबिक जो परिकल्पना माफी काम होते हैं वो, जैसे आप देखेंगे प्रांतिक व्यक्ति का आखिरी व्यक्ति का उन्नयन विकास, चाहे कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हो, चाहे कि उजाला गैस योजना के माध्यम से हो, चाहे कि वो शौचालय स्वच्छ भारत योजना के माध्यम से, जब भी देखो क्या मुद्रा लोन हो, समाज के नीचे के अंशों का पूरा आगे लाने का प्रयास। इसलिए मेरा जो कल से दौरा शुरू हुआ है सिक्किम में, इसका जो हमारे कार्यक्रम सरकारी वाला जो था वो ख़त्म करके आज पंडित जी का श्री चरण में आए हैं, पुष्पांजलि दिए हैं, ताकि आगे का दिनों में इनका आदर्श, इनका दिए हुए रास्ते से हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं और भारत को विकासशील नहीं विकसित विकसित देश हम बना सकते हैं। देश को विश्व जननी बनाना हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य तक हम पहुँच पाते हैं।